स्टूडेंट्स, आई एम मंथिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, कल हमने आप लोगों को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट किया था। तो इसके दो इंपॉर्टेंस होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। कल हमने आप लोग को हार्मफुल एक्टिविटीज़ पढ़ा दी थी बैक्टीरिया की। अब आप लोग को आज पढ़ना यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे ह्यूमन लाइफ में बैक्टीरिया किस तरीके से यूजफुल हैं, किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो अब आप लोग को इसमें हम बताएंगे पॉइंट वाइज कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ और किस तरीके से करते हैं। तो इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है तो सब वो अंडरग्राउंड होता है। पानी जो होता है वो ज़मीन के नीचे ही सीवर का पानी पूरे शहर का बहता रहता है, अंडरग्राउंड सारा सिस्टम होता है। तो उस पानी में गंदगी होती है बहुत ज़्यादा, वो सब वेस्ट पानी होता है। तो उससे बीमारियाँ ना फैले, इसलिए कई तरीके के बैक्टीरिया की प्रजाति को उस पानी में छोड़ दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म कर देते हैं, जिससे पानी पीने लायक तो नहीं होता है लेकिन बीमारी नहीं फैलाता है। तो इसका मतलब हुआ ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो सीवेज डिस्पोजल कहलाती है। तो बड़े बड़े शहरों में जो भी अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम, उसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल उसके पानी को साफ करने के लिए और उसको सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है सीवर में। तो ये इसका एक फ़ायदा हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, यूज़ ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन। अब आप सबको पता है कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में, एंटीबायोटिक्स और दवाएं बनाने में किया जाता है। तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती हैं वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल बहुत तरीके की मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स बनाने में करते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है और इस टेबल में कई तरीके की एंटीबायोटिक्स, उनका सोर्स, उनका एक्शन और ये दिया गया है कि वो किस चीज़ पर काम करती है। तो अब देखिए, पहली एंटीबायोटिक्स ये है बेसिट्रेसिन। ये एंटीबायोटिक्स या दवा का नाम है और ये एंटीबायोटिक बैसिलस सबटिलिस से मिलती है। ये एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल से निकाली जाती है। उसके बाद दूसरी एंटीबायोटिक्स है पॉलीमाइजिन जी, ये बैसिलस पॉलीमिक्सा से निकाली जाती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये डिस्ट्रॉय साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मतलब जो उसका बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय करके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोलिस्टिन या पॉलीमिक्सिन ई, ये बैसिलस कोलिस्टिनस से निकालते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये भी इसी तरह होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रायोक्सिन, बैसिलस ब्रेविस से ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है, मतलब बैक्टीरिया है कोकाई शेप का, और ये भी उसी तरीके से फॉर्मेट किया जाता है। तो इस तरह ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। अगला और तीसरा पॉइंट देखिए, एनर्जी प्रोडक्शन। बड़े बड़े एनर्जी प्लांट और कंपनीज़ में एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। जैसे देखिए, बहुत तरीके के अल्कोहल, बहुत तरीके की गैसेस का प्रोडक्शन जो होता है उनको बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए होता है। जैसे देखिए, एक वो है हाइड्रोकार्बन गैसोहॉल, ये 90% गैसोलीन और 10% अल्कोहल के मिलने से बनता है। और अल्कोहल और गैसोलीन को सड़ाया जाता है जब गोबर वगैरह से, तो इस बैक्टीरिया से उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये थर्मो एस्ट्रोबैक्टर इथेनोलोकस जो है, ये बैक्टीरिया इस गैसेनॉल से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो गोबर गैस होती है जिसको आप लोग बायो गैस कहते हैं, ये भी मेथेनोजन्स टाइप के बैक्टीरिया से बनती है और वहाँ से निकलने वाली दलदली इलाके से जो गैस है उससे एनर्जी को बनाया जाता है। तो एनर्जी बनाने में भी या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। चौथा पॉइंट है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब घर में इस्तेमाल होने वाले बहुत तरीके के सामान जो हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग रोज़ खाते हैं, योगर्ट, दही, जो दही होती है वो आप बाज़ार से जो लेते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेड मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और इसको बैक्टीरिया को जब दूध में डाला जाता है और फर्मेंट किया जाता है तो वो दूध के लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है दही में या योगर्ट में। इसी तरह बैक्टीरिया का इस्तेमाल चीज़ मेकिंग में भी किया जाता है, पनीर बनाने में, डेयरी इंडस्ट्री में पनीर बनाने में दूध से दही और पनीर बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। ये भी मिल्क प्रोटीन कैसीन को फाड़ देता है और उसके बाद उसको खट्टा करके उसमें चीज़ में कन्वर्ट कर देता है।
इसी तरह और भी बहुत सारे बैक्टीरिया की सीरीज देखिए यहाँ पे दी गई है। स्ट्रेप्टोकॉकस के बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिनका इस्तेमाल डेयरी इंडस्ट्री चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो इस तरह आपके डेली यूज़ में भी बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट है इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी। जो आपकी मिट्टी होती है खेत में इस्तेमाल, जब हम लोग फसल लगाते हैं तो उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके की खाद वगैरह आती है, वो खाद जो है वो भी बैक्टीरिया से बनाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत तरीके के बैक्टीरिया है जिनको डायरेक्ट मिट्टी में छोड़ा जाता है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, उसमें नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ा देता है और मिट्टी आपकी फर्टाइल हो जाती है। तो मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, जैसे एजोबैक्टर जो है बैक्टीरिया की प्रजाति इसमें इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्री। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। तो इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। पहला है डेयरी इंडस्ट्री, जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि डेयरी इंडस्ट्री जो होती है, दूध की इंडस्ट्री जो होती है, उसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने होता है। बिना बैक्टीरिया के ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। जितने भी तरीके के मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जैसे बटर, चीज़, बटर मिल्क और योगर्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बैक्टीरिया के इतने तरीके के प्रजाति के बैक्टीरिया, मोस्टली लैक्टोबैसिलस प्रजाति के बैक्टीरिया से बनाई जाती है। तो इस तरह डेयरी इंडस्ट्री में भी बटर, चीज़ और योगर्ट, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेक्सट्रॉन प्रोडक्शन। ये देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि डेक्सट्रॉन एक प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। पॉलीसेक्राइड चेन होती है, इसको बनाने के लिए भी कई तरीके के बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, जिससे कई तरीके के केमिकल लैक्टिक एसिड वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन और ब्यूटेनॉल, जिसका इस्तेमाल आप लोग केमिस्ट्री की लैब में करते हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एसीटोन और ब्यूटेनॉल का इस्तेमाल होता है। तो इसको क्लॉस्ट्रीडियम नाम के बैक्टीरिया से बनाया जाता है और उससे उसको निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूरिंग ऑफ टोबैको एंड टी। जो तंबाकू और चाय की खेती होती है, उसकी क्यूरिंग जो होती है वो भी बैक्टीरिया के इस्तेमाल से की जाती है। क्यूरिंग एक प्रोसेस है जिसमें चाय और तंबाकू की पत्ती को फ्लेवर दिया जाता है और उनमें रंग डाला जाता है या उनको रंग दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। और तंबाकू और चाय के क्यूरिंग के लिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एरोमा डालने के, एरोमा मतलब होता है खुशबू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। मिट्टी में कोई भी जो पदार्थ होते हैं, जैसे जानवर मर जाते हैं या ह्यूमन बॉडी भी मर जाती है, तो उनको मिट्टी में सड़ाने गलाने का काम जो होता है, डिकम्पोजिशन का काम जो होता है, वो बैक्टीरिया करते हैं। अगर बैक्टीरिया ना होते तो कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी डेड बॉडी जो है वो मिट्टी में सड़ती नहीं, जिससे पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो जितने भी एनिमल और प्लांट्स मर जाते हैं तो उनको मिट्टी में दोबारा सड़ाने गलाने का काम जो होता है, डिकम्पोजिशन का काम जो होता है, वो बैक्टीरिया करते हैं और आपकी मिट्टी फिर से उसी तरह उर्वरक या ऑर्गेनिक हो जाती है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसी में दोबारा मिल जाते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है माइक्रोबियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। अब देखिए बहुत तरीके की फसलें जो होती हैं वो फसलों को ख़राब होने से बचाने के लिए भी बहुत तरीके के केमिकल वगैरह बनाए जाते हैं, और ये केमिकल उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, फसलों को बचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये केमिकल भी लैब में आपके बैक्टीरिया वगैरह की प्रोसेस से बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए नाइन पॉइंट है रेटिंग प्रोसेस। रेटिंग समझ लीजिए, रेटिंग क्या होता है, रेटिंग जो होता है वो कई तरीके के ऑर्गेनिक, बहुत तरीके के एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं, और उनसे बाल निकालने के बाद उससे फाइबर बनाने की जो प्रोसेस होती है वो रेटिंग कहलाती है। जैसे शीप, भेड़ वगैरह जो होते हैं, वो हेम्प हो गया, फ्लैक्स हो गया, तो इनके शरीर से बाल निकाल के उसका धागा या उसके ऊन या उससे रील बनाने की जो प्रोसेस होती है वो रेटिंग होती है। और रेटिंग प्रोसेस में बहुत तरीके के बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, क्लॉस्ट्रीडियम की प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो खाल से हेयर को निकाल देता है, बाल को निकाल देता है, और जिससे आपकी खाल जो है वो बाकी रेशा वगैरह बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अगला पॉइंट डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स के डिग्रेडेशन में ये हेल्प करता है। कहने का मतलब ये है कि जो तेल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो पेट्रोलियम उससे निकालती हैं, समुद्र से निकालती हैं, तो उनका डिग्रेडेशन करने के लिए भी ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ इसका इस्तेमाल पॉल्यूशन को चेक करने में भी किया जाता है। जब समुद्र में तेल लीक हो जाता है, बह जाता है, तो बहुत तरीके के ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको छोड़ दिया जाता है, वो समुद्र के ऊपर फैली हुई तेल की जो लेयर होती है उसको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और आपका पानी जो होता है वो साफ़ हो जाता है। तो इससे पॉल्यूशन भी
कम हो जाता है। तो इस तरह ऑयल स्पॉयलेज में भी डिग्रेडेशन पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को खाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिससे बहुत तरीके के अलग अलग ऑर्गेनिज्म की कॉपीज बनाई जाती है, उनके डीएनए में फेरबदल करके नए तरीके के ऑर्गेनिज्म और हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है, जिसके बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, देखिए बैसिलस थुरंजिनेसिस, इसका इस्तेमाल बीटी फसलें बनाने के लिए किया जाता है। ये भी बीटी फसलें आगे आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ये फसलों का एक हाइब्रिड वो है। तो ये बैसिलस थुरंजिनेसिस नाम के बैक्टीरिया से बनती, इसी से बीटी लिया गया है। और ये फसलें जो होती हैं वो नॉर्मल फसलों से थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो इनका इस्तेमाल भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। एस्टेरिशिया कोलाई, ई कोलाई, ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है और इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंसुलिन और बहुत तरीके के ग्रोथ फैक्टर्स को बनाने में किया जाता है, जिनकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है। तो जो दवा मार्केट में आती है वो दवा इन्हीं तरीके के बैक्टीरिया से बनाई जाती है। उसके बाद है सीडोमोनास फ्लोरेंस, इसका इस्तेमाल फ्रॉस्ट डैमेज या और बहुत तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए किया जाता है। सीडोमोनास प्यूटिडा, ये स्केविंग ऑफ ऑयल स्पिल बाय डाइजेस्टिंग हाइड्रोकार्बन और क्रूड ऑयल, जो समुद्र में तेल फैल जाता है, कच्चा तेल फैल जाता है, लीक हो जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, हाइड्रोकार्बन को खाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है राइजोबियम मेलेलोटली, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में और निफ जीन के को कंट्रोल करता है। निफ जीन एक ऐसा जीन है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से पौधों में नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से फसल जो होती है वो अच्छी हो जाती है। तो इस तरह ये इतने प्रोसेस हैं जो आप लोगों के बैक्टीरिया के लिए, इतने पॉइंट जो हैं वो यूज़फुल हैं, और इस तरह हमारी लाइफ में बैक्टीरिया इतने यूज़फुल होते हैं। एक टेबल यहाँ और दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी हमने पढ़ाई है उसकी समरी इसमें दी गई है। पॉइंट वाइज जितना भी हमने 10-11 पॉइंट पढ़ाया है उसकी समरी इस टेबल में दी गई है, और यहाँ से आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको नोट्स में करके फिगर वगैरह बनाना है। अगला टॉपिक हम आप लोग को कल अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।